अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक और नेम लोग के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूँ। तो आज दोस्तों कल रात से ना सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और ना मैं आप लोगों को ना दिखा दूँ कि ये हमारी जो भी मुर्गियाँ वगैरह उसमें होती थी ना, बाहर वगैरह जो घूमते थे सारे, उन सबको मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया। ये देखें तो अंदर आने के बाद अभी कल ही मैंने शिफ्ट किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कचरा वगैरह कर दिया। ये देखें ज़मीन नज़र ही नहीं आ रही। और ये दोस्तों ये देखें यहाँ पे सारे औजार वगैरह पड़े हैं, टेबल मैंने ला कर रखा है यहाँ पे। तो वो सामने वो जो तीन कैबिन दिखाई दे रहे हैं ना, उनके मैंने ये दरवाजे उतार के ना ये जाली वाले दरवाजे लगा देने हैं, ताकि ये भी तीन हिस्से बन जाए, एक दो और तीन। इनके अंदर मैं बोरा वगैरह बिछा दूंगा, और मेरी कोशिश यही है कि मैं ना इनके अंदर रखने के लिए बटेर के बच्चे, चकोर के बच्चे और बतखों के बच्चे जितने हो सके मिले वो मैं ला कर रखूँ। और दूसरी बात यह, अभी मैंने ये बंद किया हुआ क्योंकि वो लाइट का थोड़ा इशू बन रहा था, तो यूपीएससी इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता। और ये इसके अंदर से मैंने सारी डब्स को निकाल के इसमें इकट्ठे कर दिए। देखिए अभी लड़ाई वगैरह चल रही है, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगे। ये देखिए, और ये बच्चा भी माशाल्लाह से दोस्तों ये नीचे आ गया। और ये इन्होंने अभी दो अंडे दिए, इनकी भी कैनलिंग कर लेंगे हम अभी। और इन्होंने भी माशाल्लाह से चावल वगैरह मैंने सुबह सुबह ला कर डाले थे, तो उन्होंने चावल वगैरह भी खा लिए। और इन्हें खोलने से पहले ना इसे लॉक कर देते हम। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कल कुजे वगैरह थोड़े लगाए थे, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं अभी इसके अंदर भी कोई नहीं गया। इसके अंदर दोस्तों अंडे पड़े हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से ये खाने के लिए आई है। और ये भी मैंने कल लगाया है नया, इसके अंदर भी कोई नहीं है। इसके अंदर भी माशाल्लाह से अंडे पड़े हैं, सात अंडे इसके अंदर आए। ये देखे तोती अंदर चले गए अंडों के अंदर, अभी इन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करते। माशाल्लाह से मैंने भर के प्लेट रखी थी चावलों की, चावल सारे खाली हो गया। और ये देखे दोस्तों ये नेस्टिंग मटेरियल है इनका, जल्दी जल्दी से इनको खाना वगैरह डालें, पानी वगैरह भी इनका चेंज करते हैं दोस्तों अभी। तो ये अभी के लिए ज़मीन पर रखते थे क्योंकि वैसे ही कचरा हुआ पड़ा है, जितना हो सके ये खा लेंगे, बाकी जो बचेगा वो हम अपने वो छोटे चूजों को खिला देंगे, क्योंकि वो देखें वो छुप छुप के बैठ रहे हैं। ये देखें कुछ छुप के अंदर जा रहे हैं, और मछलियों को उनका दाना भी डालना है। मैं दोस्तों एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं गई, ये रही। इससे दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं, इसके अंदर से ना ये सारा इसे कर देते हैं। ये दोस्तों मैंने अभी ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये देखिए खाने वगैरह के लिए आ गए हैं। और इनको दाना वगैरह डाले, पहले मछलियों को डाल देते हैं। दोस्तों अकेले में वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो जैसा भी आए तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। सबसे पहले इन्हें खुराक डाल दे। चलो जी ये देखिए कैसे खाना खाने के लिए आ गए हैं सारे। अब इन्हें इस तरह इकट्ठे कर देते हैं। इसकी लाइट की ना तारे आपस में टच हो रही हैं, इसे भी अलग अलग करते हैं। देखें तो ये दोस्तों मैंने इसे अलग अलग कर दिया, इसे इधर रख लेते हैं। ये तो बस नाम की अभी मछलियाँ, तो इसे मछलियों को भी अब दाना डाल दिया हमने। जैसे लाइट वगैरह आएगी तो मैं वो चला दूंगा। अब इनको दाना पानी डाल दे। दाना भी दोस्तों अब हमारे पास एक हफ्ते का ही बस रहेगा लगभग। वो देखे दोस्तों खाली हुई पड़ी है, क्योंकि ये देखे ये सारे इधर आ गए ना, वो नए वाले दो उधर चले गए, और ये जो पुराने वाले हैं इधर है। ये माशाल्लाह से बच्चे को देखे, छोटा सा बच्चा। ये देखे दाने को देखा तो कैसे आ गए छोटे से। दाना वगैरह पहले डाल दें हम इनके लिए भी दोस्तों। मिट्टी की वो कटोरियाँ टाइप होती है ना, वो लाएंगे जिसमें दाना ज़्यादा आ जाए। ये गिलासियाँ में पूरा दाना नहीं आता। देखे अब कितने कितने के मुँह जाएंगे इसमें। इनका भी दोस्तों पानी चेंज करना है, और इनको डाल दे।
क्योंकि तोतों का दाना तो चेंज होता है ना, तोतों को दूसरा दाना डालेंगे हम लोग। देखो दोस्तों इस तरह आवाज़ें आ रही है बार बार। और ये दोस्तों अंडों की भी मैं तो कहता हूँ आज कैनलिंग कर लेते हैं। ये देखें ये कैसे मारना शुरू हो गया। तो दोस्तों एक के अंदर बन रहा है बच्चा और दूसरे के अंदर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब एक जो हमारा अंडा है वो फर्टाइल है और जो दूसरे अंडा है वो अनफर्टाइल है। हम ऐसा करते हैं अभी थोड़ा सा ना आरजी तौर पे इधर डाल देते हैं दाना ताकि ये लोग तंग ना करें, क्योंकि इनको लास्ट में डालना होता है ना, तो ये तब तक तंग करते रहते हैं। अब तोतों का दाना डालें। ये दोस्तों तोतों का दाना, तो अभी के लिए इतना ही क्योंकि तोते हमारे काफ़ी ज़्यादा तादाद में कम हो चुके हैं। तो इसे इधर रख देते हैं और इनका पानी वगैरह भी अभी चेंज करते हैं। आज इनको हमने ब्रीडिंग पावर की भी वो देनी है मेडिसिन पानी में डाल के। इन सब के पानी वाली गिलासियाँ निकाल लेते हैं। ये देखिए कैसे खाने की तरफ गए। बस ये एक ही ऊपर बैठा हुआ है अकेला, बाकी सारे नीचे खाने के लिए आ गए। तो कबूतर भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। ये माशाल्लाह से देखिए कलोनी बनाई है। और ये दोस्तों एक तोते को ना इन्होंने सिर पे ना मारा, वो देखे उसके ना सिर से उतने हिस्से से बाल ही उतर गए। तो ये दोस्तों ये लड़ाइयाँ वगैरह तो ऐसे ही चलती रहेंगी, इनका अब कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और ये अभी हमारे दोनों केज खाली हैं, ऊपर वाला पोर्शन भी नीचे वाला भी। और अभी पहले इनको पानी वगैरह डाल दें। तो मैं दोस्तों इन सब के मैं पानी चेंज करके आप लोगों से मिलता हूँ अभी। तो ये दोस्तों मैंने इन लोगों की गिलासियों का पानी देखे निकाल लिया, अब इनमें जल्दी से मेडिसिन वगैरह मिक्स करते हैं। अभी के लिए तोतों का हम लोग ये वाली डालेंगे या विटामिन की डाल दें, क्योंकि ब्रीड तो इन्होंने की है मगर फिर भी विटामिन की आज डाल देते हैं हम लोग। आज हम लोग ब्रीड की नहीं डालते क्योंकि वैसे भी ब्रीड करने का फ़ायदा कोई नहीं है। सर्दी का मौसम है तो बच्चे मर जाते, जैसा कि आपने लास्ट टाइम व्लॉग में देखा था। मैं इसे ओपन कर लूँ दोस्तों क्योंकि एक हैंड से ओपन नहीं होता। से मैंने ओपन कर दिया, आप तीनों में ना थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। ये एक में डाल दिया दोस्तों, ये दोस्तों सबसे बेस्ट है। ये आप लोग ना अपने परिंदों को जरूर दिया करें, हफ्ते में ना दो दिन आप लोग जरूर डाला करें। तो मैंने तीनों में डाल दिया थोड़ी थोड़ी। अभी इसे बंद कर देते हैं। ये भी दोस्तों हमारी यहाँ तक हो गई है, आधी हो गई है ये भी हमारी। अब इनमें ना तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और हिलाने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बाकी जब वो केज के अंदर लगाएंगे तब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा ही कम है, बस इतना इतना अभी के लिए ना तीनों में पानी डाल के ना इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्योंकि ये पानी में खुद ब खुद मिक्स नहीं होती, इसे खुद मिक्स करना पड़ता है। तो ये दोस्तों देखिए एक में मिक्स कर दिया मैंने, बाकी दो में भी इसी तरह कर देते हैं। ये देखिए ऐसे ही रहती है, ये इसे खुद हाथ से मिक्स करना पड़ता है। के दोस्तों सर्दी है तो इसलिए तोतों वगैरह के भी बच्चे मर रहे हैं,
और ये जो हमारे दो बजीस के बच्चे रह गए जिनको हमने इकट्ठा रखा हुआ है भरे तोतों के साथ ही, उसे भी देखना पड़ता है, उन्हें भी सर्दी वगैरह ना लगे। और हमारा जो एक फाख्ता का पेयर है उसे भी डालना पड़ता है, और जो हमारे लक्का कबूतर का पेयर है उन्होंने भी अंडे वगैरह दिए हुए हैं, तो अंडों के ऊपर बैठ जाए, जिनमें से एक फर्टाइल है और एक अनफर्टाइल है, तो उसके ऊपर भी बैठना, तो उन लोगों को भी कमज़ोरी वगैरह ना हो, इसलिए ये डालना ज़रूरी है हफ्ते में 2 बार। आप लोग भी यही डाला करें। ये मैं आप लोगों को फिर एक बार दिखा देता हूँ, ये है वाइडालिन, ये देखें, इसमें विटामिन ए और डी पाया जाता है, ये सबसे बेस्ट है। और अभी हम लोग दोस्तों इसमें डाल देंगे, ये देखें माशाल्लाह से कैसे खाना वगैरह खा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे, इसे इधर लगा देते हैं दोस्तों, अभी के लिए इसे इधर लगा देते हैं, और इसमें पानी वगैरह डाल देते हैं। तो ये इसमें पानी वगैरह डाल दिया, इसे दोस्तों ना एक बार ना सही तरह से करके लगा देते हैं नीचे की तरफ थोड़ा, जिससे इसमें थोड़ा और पानी चले जाए। तो दोस्तों इतना बहुत है इसके लिए, देखना पूरी पानी में मिक्स हो गया, हल्का हल्का येलो कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इनको भी विटामिन की चलेगी। अब डालते हैं दूसरे वाले के, तो इसे दोस्तों इस तरफ लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये तादाद में ज़्यादा, और इसमें भी पानी डाल देते हैं, इसे इधर से डाल देते हैं, भी हम लोगों ने दाना पानी डाल दिया, ऊपर वाले को भी दाना पानी डाल दिया। और अब हम लोग चलते हैं लक्का कबूतर की तरफ, उसे भी जल्दी से ये विटामिन की देते हैं। पीछे पीछे जो आप लोग वो देखें वो कैसे अंदर आने की कोशिश कर रही है, ये काफी तंग करती है इन्हें, ये ऐसे कर रही है जैसे ये अभी जाली तोड़ के आ जाएगी अंदर। और वो भी माशाल्लाह से जितना उसने खाना था खा के वो बैठ गई है अंडों पे, इसे भी जल्दी जल्दी से पानी से भर देते हैं गिलासी को। तो दोस्तों इसे भी डाल दिया, अब ये अपने विटामिन को अंदर रख देते हैं। इसे भी इधर रख देते हैं इसकी जगह पे, इसकी भी बोतल का ढक्कन बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ना इन्हें भी पानी वगैरह डाल दूं। अभी के लिए दोस्तों ऐसे ही मैं काम चला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है वहीं में मैंने पानी डाल दिया, और उधर ही मैंने इनको दाना पानी डाल दिया, उधर दाना डाल देता हूँ इधर पानी डाल देता हूँ, इन दोनों में। अभी उसमें दाना वगैरह डालूंगा, और ये रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं इसे भी मैं ब्रीक ब्रीक करके सबको खिलाऊंगा। तो अभी आप लोगों को ऐसी जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे व्लॉग में, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि साथ साथ मैंने दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनानी होती है, कॉलेज भी हमारा शुरू हो रहा है कल से, ऑनलाइन क्लासेस थी वैसे तो, हमारा कॉलेज भी शुरू हो रहा है, और ये दो दो चैनल को भी संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ऊपर से घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।